हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में, विनस प्लैनेट के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह सूर्य से लगभग 10,82,00,000 किलोमीटर की दूरी पर है। उसका ध्रुवीय व्यास क्या है तो कि 12,104 किलोमीटर। उसका कोई भी उपग्रह नहीं है। जैसे हम धरती पर 365 दिन का एक साल माना जाता है, ऐसे ही शुक्र पर 220.17 दिन के बराबर एक साल माना जाता है। उसका भूमध्य रेखीय घेरा वो है 38,025 किलोमीटर। उसका द्रव्यमान वजन 486,732 अरब किलोग्राम है। शुक्र ग्रह के बारे में रोचक तथ्य। नंबर वन, शुक्र ग्रह का एक दिन इसके एक साल से भी बड़ा होता है। जी हाँ दोस्तों, शुक्र ग्रह सूर्य के सापेक्ष एक चक्कर पूरा करने के लिए पृथ्वी के लगभग 224.17 दिनों का समय लेता है, जबकि अपनी अक्ष के सापेक्ष एक चक्कर पूरा करने के लिए 243 दिन लगाता है। नंबर टू, शुक्र ग्रहों का पृथ्वी की बहन भी माना जाता है, क्योंकि दोनों का आकार काफ़ी समानता पाई जाती है। शुक्र ग्रह का व्यास पृथ्वी के व्यास का 95% तथा उनका वजन, उसका वेट देखा जाए तो पृथ्वी के हिसाब से 80% है। दोनों पर क्रेटर कम है और धनत्व तथा रासायनिक संरचना समान है। नंबर थ्री, शुक्र ग्रह पर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल की कई किलोमीटर मोटी परतें हैं जो इसकी सतह को पूरी तरह से ढक लेती है। इसी कारण से शुक्र ग्रह की सतह देखी नहीं जा सकती। इन बादलों के बीच में से 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चलती है। नंबर फोर, शुक्र ग्रह और पृथ्वी में पाई जाने वाली समानताओं और शुक्र के ऊपर बादलों के कारण पहले यह अनुमान लगाया गया था कि शायद बादलों के नीचे शुक्र ग्रह पृथ्वी के जैसा ही है और अगर वहाँ पर जीवन होगा, पर बाद में भेजे गए उपग्रहों और यानों से ये जानकारी मिली कि दोनों ग्रह एक दूसरे से काफ़ी अलग है और शुक्र पर जीवन का होना नामुमकिन है। नंबर फाइव, शुक्र ग्रह का वायुमंडल मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड का बना हुआ है। इतनी ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा कर सकती है। उसकी के सूर्य की तरह लाने वाले भाग का तापमान 462 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा जाता है। इतना ज़्यादा तापमान इसको सूर्यमंडल का सबसे गर्म बना देता है। इसीलिए शुक्र ग्रह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह बना हुआ है। नंबर सिक्स, शुक्र ग्रह का वायुमंडलीय दबाव पृथ्वी के वायुमंडलीय दबाव से 92% ज़्यादा है, 92 गुना ज़्यादा है। इतना ज़्यादा दबाव पृथ्वी पर समुद्र की तरह एक किलोमीटर नीचे ही होता है। नंबर सेवन, रूस ने सन 1961 में वेनेरा 1 स्पेस मिशन शुक्र पर भेजने की कोशिश की, पर संपर्क टूट जाने के कारण यह मिशन असफल रहा। इसके बाद अमेरिका का मेरिनर 1 भी शुक्र की कक्षा में पहुंचने में असफल रहा। हालांकि मेरिनर 2 सफल रहा, जिसने शुक्र से जुड़े कई आंकड़े भेजे, जिसके बाद सोवियत संघ का वेनेरा 3 शुक्र की सतह पर पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित यान बन गया। अब तक 20 से ज़्यादा यान शुक्र की यात्रा कर चुके हैं। नंबर 8, 2006 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा भेजे गए विनस एक्सप्रेस स्पेस शटल ने शुक्र पर 1,000 से ज़्यादा ज्वालामुखियों की खोज की। आंकड़ों के मुताबिक शुक्र पर अभी भी ज्वालामुखी सक्रिय हैं, पर कुछ ही क्षेत्रों में, ज़्यादातर हिस्सा लाखों सालों से शांत है। कुछ और यानों से प्राप्त आंकड़े बताते हैं कि शुक्र की सतह पर ज़्यादातर हिस्सा लावे के पदार्थ से ढका है। नंबर 9, शुक्र पर छोटे छोटे गड्ढे नहीं है। इसके कारण यह हो सकता है कि उल्काएँ शुक्र के वायुमंडल में सतह से टकराने से पहले ही जल जाती होगी, पर शुक्र पर कोई जगह गड्ढे एक साथ पाए गए हैं, जिससे लगता है कि कई बड़ी उल्का सतह से टकराने से पहले ही छोटे टुकड़ों में बट जाती है। नंबर 10, पहले ग्रीक और रोमन लोग शुक्र को एक नहीं बल्कि दो ग्रह मानते थे। ग्रीक लोग सुबह देखने वाले तारे को फॉस्फोरस और रात को दिखने वाले को होस्फरस
कहते थे। रोमन लोग क्रमवार ल्यूसिफर एंड वेस्पर कहते थे, लेकिन बाद में इनके खगोल विद्या ने पाया कि यह दो नहीं बल्कि एक ग्रह ही है। इसके बाद यह लोग शुक्र को रात के आकाश में सबसे ज़्यादा चमक के कारण उसे सुंदर और प्यारा प्यार की देवी कहने लगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे ही नई वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।